प्रदेश कैबिनेट के भले ही एक मंत्री को हम एक्शन मैन कहते और मानते हैं, पर पानीपत के एक दिन के दौरे पर आए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला असल में खुद को एक्शन और रिएक्शन मैन साबित कर गए। पानीपत की डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कुछ शिकायतों पर तुरंत एक्शन नजर आया। CIA के दो ESI को एक गंभीर शिकायत पर डिप्टी CM ने लाइन हाजिर कर दिया। DSP से कहा, अगर आप जांच करने में सक्षम नहीं हैं, तो IG से जांच करवा लेते हैं। एक और शिकायत में माइनिंग ऑफिसर के बयान बदलने पर कहा कि ये अराजकता नहीं चलने देंगे, यानी एक्शन भी रिएक्शन भी। 15 ग्रीवेंसेस जिसमें 6 पिछली बार की पेंडिंग थी, 4 नई और 5 CM विंडो पे जो कंप्लेंट्स वो आज हमने टेकअप करी। इसके अंदर 8 या 9 हम रिजॉल्व करवा पाए। CIA के अधिकारियों पे पैसे लेने की बात सामने आई, उनको तुरंत लाइन हाजिर कर उसकी इंक्वायरी शुरू करी गई, और साथ में उसकी जितनी आज तक की कंप्लेंट्स है उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर पानीपत वो क्यों दफ्तर दाखिल हुई, क्यों उसको हरास किया गया, एक डिटेल्ड रिपोर्ट कमेटी के आगे सबमिट करी। और एक कंप्लेंट माइनिंग रिलेटेड थी, जहां पर 2 बार एक ही माइनिंग अफसर ने अपने बयान को बदला और लिखित रिपोर्ट पे साइन करने का काल, उसके ऊपर सख्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं कि तुरंत माइनिंग डिपार्टमेंट उसमें कार्रवाई भी करे और प्रदेश में इस तरह की हरासमेंट ना हो, जहां अधिकारी एक बारी कुछ लिखित पत्र देकर बाद में अपने बयान से पलटने का काम करे। इसी तरह पानीपत के अंसल बिल्डर पर गांव अजीजुल्लापुर के रेवेन्यू रास्ते पर अवैध कब्जा करके गांव के गार्ड की ओर से ग्रामीणों को परेशान करने और सिंचाई विभाग की कई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला उठाया गया। डिप्टी CM ने रिएक्शन दिखाई, 10 साल का 5% सालाना ब्याज लेकर कंपनी से पैसा वसूलो और गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाकर उस पर लिख दो गिफ्टेड बाय अंसल। डिप्टी CM ने कहा कि अंसल के अफसर गांव की 1.5 एकड़ जमीन या तो खरीद लें, नहीं तो कंपनी के बड़े अफसरों को यहां लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, अपने बॉसिस से बात करो, मैं बॉसिस को बुलाऊंगा, एक कम्युनिटी हॉल बनाएंगे इसके बाद बाद में, क्योंकि आपने लीडर को लेकर चीज मिला है। गौरतलब है कि अगर प्रदेश के विधायक और मंत्री इसी तरीके से जन शिकायतों के प्रति गंभीर और संवेदनशील नजर आएं, तो बहुत सारी चीजें दुरुस्त हो सकती हैं, अफसर भी लाइन पर आ जाएंगे। गौरतलब है कि पानीपत में अनिल विज अपने सख्ती वाले स्टैंड और एक्शन पर सुर्खियां बटोरते थे, तो उनके बाद अब डिप्टी CM ने ये जिम्मेदारी संभाली हुई है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आते हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।